तो जिसका हम सबको कुछ महीनों से डर सता रहा था कि क्या मायानगरी गेम कभी रिलीज नहीं होगा हमारे मोबाइल डिवाइस में, तो अब ये डर सच साबित हो चुका है। अभी तक तो इसके बारे में आपको पता तो चल चुका होगा कि मायानगरी गेम शटडाउन हो चुका है, लेकिन ये उतना भी सिंपल नहीं है। इसके साथ बहुत सारे चीजें भी हुए हैं जो हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या क्या गलतियां हुआ है मायानगरी के डेवलपर से, अगर उसे सही करते तो शायद इस गेम को अब तक हम खेल पाते हैं। ऑब्वियसली हम कोई कंपनी या फिर डेवलपर नहीं है जो इसके बारे में हम बात करें अच्छे से, एक नॉर्मल गेमर के तौर पर देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे और आप सबको बताएंगे। और आप भी कॉमेंट करके जरूर अपना राय इस गेम के बारे में यानी शटडाउन के बारे में बता के जाना। तो वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे और मजे के साथ साथ बहुत सारे नए चीजों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो कहीं भी पसंद आ जाता है तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से गेमिंग नॉलेज लेने के लिए, समझ रहे हो। हाइपरनोवा इंटरैक्टिव मायानगरी गेम के पीछे इसी कंपनी का हाथ है जो एक बैंगलोर बेस्ड स्टूडियो है, और जब इस गेम का अनाउंसमेंट हुआ था तब से अब तक इस गेम को प्रमोट किया जा रहा था GTA इंस्पायर्ड गैंगस्टर गेम से, जो टोटली इंस्पायर होता रियल लाइफ इंडियन लोकेशन से, जैसे कि मुंबई और गोवा। मायानगरी टोटल फोकस होता इमर्जिंग क्रिमिनल केसेस पे जो अपने सिटी में राइज हो रहा था, उसी के बीच आपको सर्वाइव करना था, बड़ा गैंगस्टर बनना था और साइड में स्टोरी लाइन भी चलता। और जितने भी सारे कटसीन्स आप इस गेम में देखते हो वो बॉलीवुड स्टाइल मोशन कैप्चर के साथ हिंदी लैंग्वेज वॉइस ओवर भी होता, साथ में थर्ड पर्सन शूटर एक्शन भी हम सबको करने को मिलता है, यानी अलग अलग गन्स को हम यूज करके स्टोरी वगैरह को कंप्लीट हम कर पाते हैं, देसी गाड़ियां भी होता जिसे हम चला पाते हैं गेम के लोकेशन पे। तो ये सब सुन के मजा तो बहुत ही ज्यादा आया। ऑब्वियसली इसका 2 बीटा ऑलरेडी हो चुका है जिसमें से पहला बीटा का गेम प्ले हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। गेम के बीटा में प्रॉब्लम जरूर था लेकिन हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि यार जब इस गेम का ग्लोबल लॉन्च होता गेम और ज्यादा इंप्रूव होता, लेकिन अब तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो गलतियां क्या क्या किए हैं, सबसे पहले मार्केटिंग पे। जी हाँ, हाइप बहुत ज्यादा बन चुका था इस गेम का जिसके लिए प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, और जब इसका पहला ट्रेलर भी रिलीज हुआ था उसे देख के तो यार सभी के माइंड में एक ही चीज घुस चुका था, देसी GTA। और GTA कितना बड़ा फ्रेंचाइज है और उनके गेम्स कैसे होते हैं ये तो बताने का भी जरूरत नहीं, बच्चे बच्चे को भी अच्छे से पता है। अगर ये गेम फ्यूचर में बाई चांस लॉन्च भी हो जाता मुझे नहीं लगता उतना एक्सपेक्टेशन ये फुलफिल कर पाते हैं, और लॉन्च के बाद हो जाता कबाड़ा। हालांकि अब तो ये कभी नहीं होगा, शायद हो भी सकता है जिसके बारे में हम कुछ देर पे बात करेंगे, लेकिन आप भी इन्हें मेरे बातों से एग्री तो जरूर करोगे। तो मार्केटिंग में थोड़ा इधर उधर हो गया, अगर इस गेम को प्रमोट नहीं करते हैं GTA के नाम से तो मुझे लगता है जैसे भी ये गेम रिलीज करते हैं तो खेल के उससे जरूर मजा आता है। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड बहुत सारे गेम्स मोबाइल डिवाइस में रिलीज हो चुके हैं जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। दूसरा पॉइंट आता है प्लानिंग नहीं था। हाइपरनोवा इंटरैक्टिव एक न्यू कंपनी था जिनके पास गेमिंग एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली ना के बराबर ही होगा, और मुझे लगता है इनका ये पहला गेम होता अगर रिलीज करते तो इनके पास मुझे लगता है प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं था कि गेम को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे प्रमोट करें। अगर अर्ली एक्सेस भी रिलीज करते तो मुझे लगता हम सब खेल के एंजॉय करते और उसमें फंडिंग भी आ जाता। फंडिंग से याद आया गेम का मेन रीजन है फंडिंग ना होना, जिसके बारे में हम लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी। जी हाँ, अगर आप इस गेम को शुरू से लेके अब तक फॉलो करते हुए आए हो तो आपको पता होगा गेम को प्रमोट करने में, ट्रेलर बनाने में और साथ में जो वॉइस ओवर इसमें डाला गया है फर्स्ट और सेकंड बीटा में उसमें भी तो पैसे लगते हैं, और साथ में बीच में गेम को लेके कुछ सॉन्ग्स भी रिलीज किए थे तो उसमें भी शायद थोड़ा बहुत पैसे तो लगे ही होंगे। तो मुझे लगता है उन सब पैसे को अगर डेवलपमेंट में डालते तो ज्यादा अच्छा रहता, गेम अब तक तो अर्ली एक्सेस पे रिलीज भी हो सकता था। तो इसके बारे में आप सबको क्या कहना है कि इन सब चीजों को करना चाहिए था या फिर गेम में ही ज्यादा फोकस करते तो बेटर रहता, जरूर कमेंट करके बताना। अब फ्यूचर प्लान क्या है, लेकिन उससे पहले बता देते हैं इस गेम को एक्चुअली शटडाउन क्यों किए हैं, कौन सा रीजन था कि इस गेम को शटडाउन करना पड़ा। तो 31 मई 2024 का इसका पहला अपडेट ऋषि अलवानी की तरफ से आया कि हाइपरनोवा द स्टूडियो मेकिंग मायानगरी द मेड इन इंडिया ओपन वर्ल्ड गैंगस्टर गेम फॉर मोबाइल हैज शटडाउन, टर्न आउट द स्टूडियो कैन नॉट सस्टेन डेवलपमेंट कॉस्ट और राइज फंड। तो इनके पास फंड ही नहीं था इस गेम को बनाने के लिए जिसके वजह से इस गेम को वो शटडाउन कर रहे हैं। सिर्फ गेम भी नहीं, हाइपरनोवा इंटरैक्टिव जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है उसे भी टोटली शटडाउन कर चुके हैं। अगर आप गूगल में जाकर सर्च करोगे हाइपरनोवा इंटरैक्टिव गेम स्टूडियो तो ये आपको परमानेंटली क्लोज बताएगा। तो इसीलिए शुरुआत में आपको बताएं कि यार ये छोटा मोटा शटडाउन नहीं है, कंपनी भी शटडाउन हो चुका है। और इनके जो कोफाउंडर मयूर भीमजियानी है उन्होंने आंसर किए हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो इसका प्रॉपर मीनिंग तो अभी तक पता नहीं चला जब तक इस वीडियो को बना रहे हैं, और ऑफिस
ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं आया कि मायानगरी को शट डाउन कर चुके हैं। अभी भी अगर आप प्ले स्टोर पे जब सर्च करोगे तो ये गेम आपको शो करेगा और आप प्री रजिस्टर भी कर सकोगे, लेकिन जिनको पता चल चुका है कि ये गेम कभी नहीं आएगा वो अब प्री रजिस्टर तो बिल्कुल नहीं करने वाले। तो इस गेम का देखा जाए अभी के लिए फ्यूचर बहुत ही ज्यादा डार्क है, पता नहीं ये गेम कभी रिलीज होगा या फिर नहीं। एक चांस जरूर बनता है अगर कोई दूसरा डेवलपर यानी कंपनी इस गेम के राइट्स खरीद ले और जहां से ये गेम छोड़ा गया है उसी से बनाने की कोशिश करे, तो शायद हो सकता है दूसरे कंपनी से हमें ये गेम खेलने को मिल जाए एक नए टाइटल के साथ। ये तो यार एक स्पेकुलेशन है, आगे चल के हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या आप सब मायानगरी गेम के लिए एक्साइटेड थे या फिर नहीं। लेकिन जो हमारे दोस्त स्कैम बोलने वाले हैं उनको हम बताना चाहेंगे, स्कैम उसको बोलते हैं जो पैसे लेके भाग जाते हैं, लेकिन हाइपरनोवा इंटरेक्टिव ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया, हमसे एक रुपया भी नहीं लिया ना ही आपसे लिया है, तो स्कैम बोलना गलत होगा। एक गेम बन रहा था, फंड नहीं था, बस उसे शट डाउन किए, इतना ही हमें समझ लेना है। लेकिन एक होप था यार इंडियन डेवलपर की तरफ से भी कुछ गेम्स आने वाले हैं, लेकिन अब लगता है एक एक करके सभी गेम को ये शट डाउन कर ही देंगे। हालांकि अभी देखा जाए तो दो गेम्स लाइमलाइट में है, पहला है इंदस बैटल रॉयल और दूसरा है UGW। इंदस के साथ उतना कुछ खास चल नहीं रहा है, सिर्फ ई स्पोर्ट के ऊपर ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने बीच में, हम तो प्लेयर सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह रहे हैं। और बात रहा UGW की, वो गेम भी ऑब्वियसली आने वाला है जिसका बहुत सारा बीटा ऑलरेडी एंड हो चुका है। तो किस गेम के लिए आप सब ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके इसके बारे में भी बता देना। लेकिन आज का वीडियो ये पसंद आ ही गया होगा तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से गेमिंग नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।